मार्केट लेके आया हूँ एक टाटा सिलोन का। ये पहले मेरे पास एक गाड़ी थी वो मैंने सेल कर दी थी, लगता था जिसमें आपने यूट्यूब पे वीडियो देखा होगा उसका, और अभी वो गाड़ी तो मैंने सेल कर दी। अभी दूसरी लाई हूँ टाटा सिलोन की, होती 3.0, उसमें 3,000 इंजन आता है, ये 2.0 है, फिर सफारी का इंजन है 2.0। तो इसके अंदर गाड़ी के अंदर 2x2 है गाड़ी, लेकिन इसको हम 4x4 बनाने की हमारी प्लानिंग है अपनी, और 4x4 का सारा सामान इसके अंदर लगेगा आगे के जो भी है, गियर चेंज होगा, आगे की पेटी है, और आगे के जो सस्पेंसर के ऊपर जो सांपर टापर सब चेंज होते आगे की, क्या होने से वही फुल गाड़ी 4x4 के अंदर काम करेगी। अभी 2x2 है, ये सामान है पीछे अंदर बहुत खराब हो रहा है पीछे के, ये कंस्ट्रक्शन के किसी ठेकेदार की गाड़ी है, तो वो इसके अंदर सीमेंट वीमेंट भर के चला था सर। इसका जो भी एक बार तो हमने सर्विस करा दी, सर्विस कराने से पहले दिखा दे तो इसकी हालत बहुत खराब थी अभी, लेकिन पहले एक बार सर्विस करा दी तो मैंने वीडियो नहीं बना पाया। अभी इसके अंदर जो ये है, एक बार तो सफाई हो गई है, लेकिन इसको और ढंग से करानी पड़ेगी जो मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा। और पीछे के अंदर है थोड़ा बहुत इन्होंने इसके अंदर गया हुआ है, ये सामान मंगाना पड़ेगा ऑनलाइन, सीमेंट चिपक रही है, टायर पीले लगे हुए हैं, पूरी गाड़ी तय होगी, नया लुक देने का इस बार नई कोई चीज़ करने का है। सबसे मेन जो है इसके अंदर 4x4 कर रहे हैं, बहुत 4x4 मैंने पहले ढूंढी थी गाड़ी, लेकिन मिली नहीं थी नहीं, चक्कर में बहुत मैंने टाइम वेस्ट करा 2-1 महीने। उसके बाद में इसके अंदर से कंडीशन थोड़ी खराब है, थोड़ा सा ये पकड़ रहे हैं कर रहे हैं, ये कोई सब चीज़ें रिपेयर हो जाएंगी। मेरा भाई ये जो शूट कर रहा है, ये इसका नाम देवेंद्र सिंह है, ये मेरा फ्रेंड ही है, ये हाँ हेलो कर देना रिस्कान जी, वो ये मेरे फ्रेंड ही है, हमारा एक दो दोस्त और भी है वो आ नहीं पाए बिजी थे, इसलिए ऑफ रोडिंग के भी वीडियो बनने वाले हैं इस गाड़ी के। यू 4x4 होते ही ऑफ रोडिंग चालू है। अंदर इंटीरियर जो है, इंटीरियर अभी है तो बस ठीक ही है, लेकिन थोड़ा सा जैसे आपको लग रहा है ये है थोड़ा टूट फूट छोटा मोटा, उसको हम लोग सब नए आइटम मंगाएंगे, सारे प्लास्टिक आइटम नए आएंगे, कुछ चीज़ें रिपेयर होगी, सीट कवर है ये सब खराब हो रहा है, ये देखो आप ये पूरा सब कुछ खराब है, सब सीट कवर और मैटिंग नहीं लगेगी, और सब ये कलर नया होना है, लाइटें वाइटें सब नहीं है। मेन तो इसके अंदर सब सारा नीचे अभी 4x4 का कोई भी सामान नहीं लगा हुआ है, ना इसके अंदर पेटी है, ना इसमें गियर है, गियर चेंज होगा इसमें, हम सारा सामान 4x4 का गियर चेंज कर रहे हैं इसका, इसके अंदर इसकी आगे की सापट पापट सब चीज़ चेंज होनी का, जो सामान है म्यूजिक सिस्टम लगेगा, LED लगाएंगे अंदर, पूरी गाड़ी ब्लैक होगी, हमने RC के अंदर कलर चेंज करा दिया है पहले से, और प्लानिंग बहुत सारी है, और धीरे 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 सारे ब्लॉक होंगे। अभी 4x4 के जो सारा होगा उसका एक ब्लॉक बनेगा, उसके बाद में थोड़ा छोटा टेंट पेंट का काम कोई है नहीं इसके अंदर, वैसे मेजर छोटा सा एक पीछे और एक थोड़ा बहुत साइड के अंदर है, उसको हम लोग कराएंगे। उसके बाद में इसका कलर का काम चालू होगा, कलर के बाद में इसका लाइटिंग वाइटिंग सामान ऑनलाइन सामान मंगाना पड़ेगा, या सामान इसके लिए ऑनलाइन सामान आएगा। उसके बाद में सामान आने के बाद फिटिंग होगी, सीटों कवर हो गया पीछे का, ये वो सामान कर करा के तो उसको हम कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करने के बाद पहले वाली गाड़ी जो बनाई थी उसके अंदर हम लोगों ने पीछे टसन बनाया था, जो सॉकर वाला सिस्टम था, अब वो क्या है कि सारी पीछे इसके अंदर ही लगा हुआ है पहले से वाला, जो ये कंपनी का है, ये बहुत कॉस्टली आता है, और ये भी है, तो ये मेरे को इस बार हटाने की इच्छा नहीं है, क्योंकि ये लकीली गाड़ी के साथ आया है, ढक्कन लगाना कैंसिल कर दिया है, क्योंकि ढक्कन लगाने के लिए इसको हटाना पड़ेगा, सब इसको हटाना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा, सब हटाना पड़ेगा, तो उससे गड़बड़ हो जाएगा सारा चीज़, तो मज़ा नहीं आएगा, और इसको हटाया उसका लुक खत्म हो जाएगा गाड़ी का, तो हम लोग उसको ढक्कन इस बार कैंसिल कर दिया, ढक्कन नहीं रहेगा गाड़ी में, शायद जिप्सी की या कुछ सीटें हम लोग इसमें सेट करेंगे, ऐसे उम्मीद है कि जिप्सी की या कोई सीटें सेट होगी, तो वो एक सीटें सेट करने का मूड है, और नहीं होगी तो फिर कैंसिल कर देंगे, और हो गई तो अच्छी बात है। उसके बाद में लेकिन इसको नहीं हटाएंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज़ लग रही है, और ये गाड़ी के साथ आया, तो मेरी इच्छा है कि इस बार उसको कैंसिल कर गया, और अब गाड़ी को उसकी जगह हम गाड़ी 4x4 कर रहे हैं, क्या सामान उसका मैं वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद में पेंटिंग थोड़ी बहुत है, ज़्यादा नहीं है, कहीं कहीं ये थोड़ा बहुत एक ऊपर काट के आए, क्या है ये चीज़ें होंगी उसका बताएंगे। उसके बाद में इंटीरियर का होगा तो वो भी बताएंगे, कलर होगा वो बताएंगे, तो उनके बाद में टायर लगवाना करके। उसके बाद में हम लोग ऑफ रोडिंग की प्लानिंग है मेरा भाई, ये गाड़ी तो बनाते रहेंगे, गाड़ी तो भी कितनी बनाएंगे, लेकिन आगे अब हमारा है कि ऑफ रोडिंग करेंगे, ऑफ रोडिंग की वीडियो बनाएंगे, ऑफ रोडिंग की वीडियो में आप लोगों को बहुत मजा आएगा, आप लोग सपोर्ट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, वीडियो को आगे जाके जितना हो सके। हम जो भी वीडियो बनाने आए थे और हम यहाँ पर निकल रहे हैं, उस जगह का नज़ारा है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आपने देखा होगा कितनी अच्छी लोकेशन है, तो ऐसे वीडियो और बहुत बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा जब हम निकलेंगे, तो देखिए हमारे साथ में नया वीडियो।
हम निकल रहे हैं। अभी ऐसे हम आपको अलग अलग झील पहाड़ नज़ारे दिखाते रहेंगे, बस हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ज़्यादा आपको अच्छे से व्यू मिलेंगे, अच्छी लोकेशन मिलेगी देखने के लिए।